ज्योतिषी के कार्यक्रम में दर्शकों को आप सबका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एच एस रावत। इस प्रोग्राम में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कन्या लग्न के अंदर सूर्य की महादशा और शनि की अंतरदशा क्या भयंकर योग है कन्या लग्न में। ये यहां पर सूर्य बारहवें भाव का स्वामी होता है और शनि यहां छठे भाव का स्वामी होता है। दो बुरे भावों के स्वामी की महादशा और अंतरदशा चलेगी जब, तो आपकी जिंदगी का कैसा वो वक्त हो सकता है। वक्त कभी एक जैसा नहीं होता, वक्त कभी ठहरता नहीं, कारण कभी ग्रह नहीं ठहरते, इसलिए वक्त भी नहीं ठहरता। सूर्य यहां पर खर्च की जिम्मेवारी लेकर के बैठा हुआ है और शनि यहां कर्ज की जिम्मेवारी लेकर के बैठा हुआ है। शनि के पास एजुकेशन है, रोग चोट बाधा मुकदमा कर्जा और बीमारियां भी हैं। सूर्य चाहता है कि मैं 6 साल के अंदर तबाही करूं और शनि चाहता है कि मैं भी जहां बैठूं वहां तबाही करूं। कैसा संयोग है ये। अगर आपका सूर्य नीच होकर के बैठा हुआ है और शनि भी नीच होकर के बैठा है, सूर्य के महादशा में शनि की अंतरदशा आती है, तो क्या फल होगा। शनि आपका लग्न में बैठा है, छठे भाव का और पंचम भाव का स्वामी होकर के बैठा हुआ है, आजीवन बीमारी तो देगा, यह निश्चित है। कन्या लग्न में जिसका लग्न में शनि बैठा हो उसको आजीवन बीमारी होती है। अब सूर्य बीमारी पर खर्चा कराता रहेगा, जिंदगी भर आपको दवाई चलती रहेंगी, हो सकता है आपकी किडनी खराब हो जाए, हो सकता है आपका लीवर डैमेज हो जाए, हो सकता है आपकी पैनक्रिया डैमेज हो जाए, हो सकता है हाथों में तकलीफ बनी रहे, हो सकता है आपको हर्निया की प्रॉब्लम बनी रहे। तो ये प्रॉब्लम तो शनि देगा ही देगा, क्योंकि कन्या राशि के अंदर इतनी चीजें का समन्वय रहता है। शनि आपका उच्च होकर के बैठा हुआ है, संयोग देखिए धन भाव पर उच्च का बैठा है लेकिन कर्ज का स्वामी होकर के बैठा हुआ है। कितने लोग देखने में बड़े महान लगते हैं लेकिन कर्जे में होते हैं, दरिद्र योग में होते हैं। तो शनि उच्च होने के बावजूद भी आपको कुलदीपक योग तो बनाएगा, नाम और शोहरत तो आपकी होगी, लेकिन कर्जा बना रहेगा। कितने लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनका नाम है, शोहरत है, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू ऑडी गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन कर्जा बहुत है सिर के ऊपर। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, शानदार कोठी के मालिक हैं, चार चार गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन गाड़ियों की किस्त देने के लिए पैसा नहीं होता। यह शनि वृश्चिक में बैठा हुआ है, मंगल के घर में शनि कभी अच्छा पल नहीं देता, भाई बंधुओं से आपका तनाव हो जाएगा, लेकिन तीसरे भाव में इसका फल अच्छा होता है, इसलिए आपके लिए धन दौलत के लिए अच्छा है। चौथे भाव में शनि बैठा है आपका, सूर्य की महादशा शनि की अंतरदशा में, मां का स्वास्थ्य खराब होगा, मां बीमार रहेंगी और साथ में पिता का स्वास्थ्य भी खराब रहेगा। सूर्य पिता का कारक है और सूर्य शनि की कट्टर दुश्मनी होती है, इसलिए जब सूर्य की महादशा चलेगी तो शनि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और जब शनि की महादशा चलेगी तो सूर्य अच्छा फल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि शुभ ग्रह या देवता ग्रह हमेशा अच्छा फल करने की कोशिश करते हैं। यहां पर शनि बैठा हुआ है स्वराशि में, स्वराशि का बैठा हुआ शनि सूर्य की महादशा और शनि की अंतरदशा आपके लव को तोड़ देगा। आपका अगर कोई प्रेम संबंध चल रहा है वो टूट जाएगा, पढ़ाई पर खर्चा होगा, हो सकता है एजुकेशन में बाधा आ जाए, लेकिन डिटर्मिनेशन आपकी बड़ी मजबूत बनी रहेगी। आप हिम्मत से काम लीजिएगा, काम होगा। आपका शनि स्वराशि में छठे भाव में बैठा हुआ है, छठे भाव का कारक भी होता है, कारक स्थान में यह ग्रह इतना नुकसान नहीं करता। अगर ये पाप प्रभाव में हुआ तो आपको कर्जा देगा, नहीं तो आपको कर्जे को हटा देगा। शनि आपका सप्तम भाव में बैठा हुआ है, सप्तम भाव विवाह का होता है, पार्टनरशिप का होता है, वाणिज्य का है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी है, पार्टनरशिप का है। शनि की फितरत है अलगाववादी और सूर्य की फितरत भी है अलगाववादी। अगर किसी की सूर्य की महादशा है इस समय, किसी लड़के की, और शनि की अंतरदशा है और शनि विवाह स्थान पर बैठा है, तलाक का योग, तलाक होगा, होने के बाद उसको बहुत सारा प्रॉपर्टी में से हिस्सा भी देना पड़ेगा। इस शनि और सूर्य में यह स्थिति बनेगी। ज्योतिष इतना एक साइंटिफिक विज्ञान है, जो हम बोलते हैं वही जिंदगी में होता है। आप भी इसी प्रकार से समझ सकते हैं। लाखों कुंडलियों देखने के बाद
जो आज हम टीवी पे ऑथेंटिक बोलते हैं उसका यही एक कारण होता है। आपका शनि नीच होकर के मृत्यु स्थान में बैठा, संतान सुख से वंचित करता है, आपका जवान बच्चे की मृत्यु का योग बन जाएगा, बच्चे पैदा हो होकर के मर जाएंगे, काकबंध्या योग बन जाएगा, गर्भ नष्ट होते रहेंगे। यहां पर अगर आपका शनि भाग्य स्थान पर बैठा है तो शनि स्लो गति का ग्रह होता है, बहुत धीरे धीरे काम करता है, क्योंकि यह सूर्य की लास्ट ऑर्बिट में है, सबसे अंतिम कक्षा में है, 29.5 से 30 साल इसको लगते हैं घूमते घूमते, इसलिए भाग्य को स्लो गति से काम करेगा। बच्चे देर से होंगे, शादी देर से होगी, पढ़ाई देर से होगी, भाग्य भी स्लो गति से उदय होता है। भाग्य को ठीक करने के लिए आप यहां पर हीरा पहन सकते हैं, शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, शनि का यज्ञ करा लीजिए, पूजा करा लीजिए, पूजा ही सर्वोपरि है, भगवान चाहे तो सब कुछ सिस्टम को चेंज कर सकता है। आपका शनि कर्म भाव पर बैठा है, जॉब आपको मिलेगी लेकिन जॉब आपकी छूटेगी, जॉब सरकारी मिलेगी आपको लेकिन आप टर्मिनेट होंगे, जॉब सरकारी मिलेगी लेकिन सस्पेंड होंगे, क्योंकि शनि छठे भाव का स्वामी है, आपको एक बार जॉब से हटाएगा जरूर। आपका शनि 11वें भाव में बैठा हुआ है, 11वें भाव से बैठ करके अपने घर को देखता है, कुछ समय उसका वक्त अच्छा रहेगा और कुछ समय खराब रहेगा, छठे से छठे भाव में बैठने के कारण उसकी स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। और जिसका शनि 12वें भाव में बैठा हो उसके 3 सुख तो खराब हो जाते हैं, उसका पति सुख या पत्नी का सुख खराब हो जाता है, जिंदगी में उसको पुलिस केस मुकदमे का सामना करना पड़ता है, और उसको दोबारा से पुनर्जन्म में बहुत दुर्गति का सामना करना पड़ता है। आप भी अगर इस प्रकार की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो इन सब समस्याओं के समाधान के लिए आप हमें मिल सकते हैं, पूजा पाठ आप करा सकते हैं। दर्शकों अभी समय आपसे हाथ लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर H.S. रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2500 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपए VPP, DD, मनी ऑर्डर या हमारे ICICI बैंक अकाउंट नंबर 0378053021 या SBI अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 3100 रुपए, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नोएडा का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, Q15Q ब्लॉक, सेक्टर 12, नोएडा। फोन नंबर 01202530666, मोबाइल नंबर 9999896090, 9811006314, ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.drhsrawat.com। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नजदीक C1 जनकपुरी, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 01125638157, मोबाइल नंबर 9212268609098110063014। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930, मोबाइल नंबर 9820114249।